नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पठानकोट हमले के बाद पहली बार हुई भारत पाक विदेश सचिवों की वार्ता, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर हुई बातचीत। राज्यसभा में जारी है उत्तराखंड पर संग्राम, सरकार ने ठुकराया कांग्रेस के बहस का प्रस्ताव, कांग्रेस सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए वेल में उतरे। लोकसभा में श्रीनगर एनआईटी विवाद की गूंज, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, छात्रों पर हो रहा है अत्याचार। जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा हालात सामान्य, बहुत से छात्र संस्थान वापस लौट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की हालत स्थिर, सीने में दर्द की शिकायत के बाद देर रात ले जाया गया था एम्स। विदेशी कंपनियों पर भारी पड़ रहा है पतंजलि ब्रांड, 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर उठा टर्नओवर। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा अब जल्द ही 3 विदेशी कंपनियां करेंगी शीर्षासन। दिल्ली के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में लगी भीषण आग, दमकल की 40 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, 2 दमकल अधिकारी सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।